कहानी में अब तक आपने देखा कि हमारा हीरो वारकुटा जेल में कैद है। यहाँ उसकी दोस्ती सोवियत वॉरियर के रियल हीरो विक्टर वेंजोब जी से होती है। वारकुटा जेल में टोटल 1 साल 11 महीने बिताने के बाद हमारा हीरो यानी मेसन अब इस जेल से भागने का प्लान बनाता है। इस प्लान में विक्टर वेंजोब उसकी बहुत मदद करते हैं। उन्होंने टोटल 8 स्टेप्स बताए हैं इस जेल से बाहर निकलने के लिए। हमारा हीरो वेंजोब के साथ मिलकर उन सभी 8 स्टेप्स को पूरा करता है। लास्ट स्टेप में हमारे हीरो को और वेक्टर वेंजोब इन दोनों को ट्रेन से भागना रहता है, लेकिन हमारा हीरो ट्रेन पकड़ लेता है लेकिन वेंजोब ट्रेन नहीं पकड़ते हैं। मेसन के पूछने पर वे बताते हैं कि ये सारे स्टेप सिर्फ तुम्हें फ्री करने के लिए थे, मेरे फ्री होने के लिए नहीं थे। इस तरह वेक्टर वेंजोब खुद को पकड़वा देते हैं और मेसन को उस जेल से फ्री कर देते हैं। अब आगे मेसन अमेरिका आ गया है, उसे अमेरिका लाया जाता है और वेक्टर वेंजोब भी एक कम्युनिस्ट की मदद से आज़ाद हो जाते हैं। अब हमारे हीरो मेसन्स के कई सारे टेस्ट लिए जाते हैं। यह टेस्ट इसलिए लिए जाते हैं कि उसे चेक किया जाता है कि कहीं मेसन कम्युनिस्ट्स के साथ मिल तो नहीं गया है। मेसन सभी टेस्ट को क्लियर करता है और अब मेसन अपने हैंडलर के साथ मिलकर, जिसका नाम जेसन हडसन है, नवंबर 10, 1963 को मेसन के सबसे काबिल एजेंट होने की वजह से उसे एक नया मिशन मिलता है, जहां उसे सोवियत की सैटेलाइट मिशन को फेल करना होता है। यही मेसन को CIA के सबसे खुफिया जगह पेंटागन में ले जाया जाता है, जहां उसे निकिता डार्गोविच को मारने का ऑथोराइट मिल जाता है। यहां से मेसन अपनी टीम के साथ कजाकिस्तान पहुंचता है। उसे उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना है। अब आगे हम गेम में खेलेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं अपने मिशन वाले एरिया पे और अब हमारा मिशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यह देखिए, यह मेरा पार्टनर और तब हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे इसे फॉलो करना है तो मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। गाइस, आप देख सकते हैं ऊपर कितने सारे हेलीकॉप्टर्स गोल गोल घूम रहे हैं, मीन्स वे सभी सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं। इन सबसे बच रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हम कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी जो भी है लगी हुई है उन सब से बच के, हमें हेलीकॉप्टर की नज़र में आना नहीं है। तो गाइस, सीधे आपको जो मिसाइल दिख रही है, हमें उसी मिसाइल को तबाह करना है। तो अभी तो हम छुपे हुए हैं, सीधे आपको जो मिसाइल दिख रही होगी। अब मैं दूरबीन से आपको दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही वो मिसाइल है जिसे हमें ब्लास्ट करना है। इसे लॉन्च नहीं होने देना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इतना सारा एरिया को कवर करके पहुँचना है उस मिसाइल तक। और यह देखिए, यहाँ पर हमारे एक दोस्त को बंदी बनाकर रखा गया है इस चेक पॉइंट पर। आप देख सकते हैं, मैंने जूम किया तो देखा, यह देखिए फ्रेंड्स, इसी ने बंदी बनाया है और हमें इसे बचाना है, अपने दोस्त को। यह हमारा ही दोस्त है, इसे इन लोगों ने बंदी बना के रखा हुआ है। यह क्या दोस्तों, इसने तो इसकी आंख में ही चाकू मार दिया है, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो हमें जल्द से जल्द अपने मिशन तक पहुंचना होगा। तो यह जो मेरे साथ मेरा दोस्त है, तो अब हम चलेंगे इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए जंप मार के चलते हैं, अपने मिशन को पूरा करते हैं। तो गाइस, आप ऊपर देख सकते हैं हेलीकॉप्टर घूम रहा है, हमें हेलीकॉप्टर से बचते हुए जाना है और अपने मिशन को अंजाम देना है। तो हमें यहाँ पर छुप जाना है ताकि हम हेलीकॉप्टर की नज़र में ना आ सकें। अगर नज़र में आ गए तब तो हम गए दोस्तों, हमारा मिशन ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। ये हेलीकॉप्टर हम पर गोलियाँ बरसाने लगेंगे। तो ये हेलीकॉप्टर अभी घूम रहे हैं चारों ओर, जैसे ही ये जाते हैं तो अब हमें चलना होगा। तो लगता है हेलीकॉप्टर जा चुके हैं, तो मेरा दोस्त भी अब चलने लगा है।
यहाँ पे झुक के चलने में ही भलाई है। फ्रेंड्स आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर इस तरह की गेमिंग की वीडियोस और भी आती रहती है। तो हमें जंप करके जाना है यार, चलो यार जंप करके हम धीरे धीरे मिसाइल तक पहुँच रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रहें ये दोनों। अब हमारा यहाँ पर मिशन यह है कि हमें इन दोनों को मारना है और इनके ड्रेसेस को चोरी करना है। तो फाइनली मैंने इसके पीछे चाकू मारा है। तो फ्रेंड्स हमें इन्हें ले जाकर इनका ड्रेस खोलकर अपना ड्रेस चेंज करना है ताकि हम इनकी वर्दी में आ सकें। तो चल भैया वहाँ तक पहुँच जा इन्हें घसीटते हुए। तो भैया हमने जूते का फीता बांध लिया और फाइनली हम लोग अब इनकी यूनिफॉर्म में आ चुके हैं। तो अब हमारा मिशन यहाँ से स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स हमारे कुछ और भी साथी यहाँ पर पहले ही पहुँच चुके हैं, वह भी हमें शायद मिल जाने चाहिए। यह देखिए यह हमारे कोई साथी नहीं है दोस्तों, हमें इनसे बचते बचते जाना है कहीं वह हमें पहचान न ले। तो फ्रेंड्स किसी भी हाल में मिसाइल को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से ज़िंदा बच के निकलना है। तो पहले हमारा काम है मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना। वह देखिए दोस्तों हमारे कुछ दोस्त हैं, हमने उन्हें हाथ हिलाया और ये यहाँ पर पहले ही पहुँच चुके हैं और इन लोगों को इन्होंने मार के अब चलते हैं अपने अगले मिशन पे, मीन्स अपने मिशन में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे कुछ दोस्त भी मिल चुके हैं। तो दोस्तों अब हम बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं जैसे वे लोग चलते हैं, ऐसा लग रहा कुछ नहीं हुआ है एकदम आराम से, क्योंकि हम उनकी यूनिफॉर्म में हैं ताकि उन्हें कोई शक ना हो। ट्रस्ट मी दोस्तों इस गेम को खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि यह बिल्कुल ही एक स्टोरी की तरह, इसकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी। तो दोस्तों अब कुछ ही देर में मार धाड़ स्टार्ट होने ही वाला है, तो बस स्टार्ट होने ही वाला है। दोस्तों हमें इस तरफ जाना है, हमें ये दिखा रहा फॉलो करने के लिए, तो हम इसी तरफ जाते हैं। अभी हमें कोई शूट नहीं करना है नहीं तो हमारा मिशन यहीं ख़त्म हो जाएगा। हमें इन्हें कोने में ले जाना है और उस साइड ले जाकर इन्हें ख़त्म करना है। तो बस दोस्तों हमने जैसे ही उन्हें मारा हम पर अब गोलियां बरसाना शुरू हो चुकी है और हम पर गोलियां बरसाई जा रही है काब ताबड़तोड़। मैं किसी तरह इन्हें मार के जल्दी से भाग रहा हूँ, मुझ पर बहुत ज़्यादा गोलियां चल रही है, जल्दी जल्दी भागो यार। फिलहाल मुझे लगता है मुझे इस तरफ नहीं आना चाहिए था, मुझे तो अब जाना है उस साइड ही। तो मैं एक बार देख लेता हूँ उधर कोई गोलियाँ बरसा रहा। फ्रेंड्स गन भी बहुत अच्छी मिली है, इससे निशाना भी बहुत अच्छा बन रहा। तो चल मेरे भाई, यहाँ फॉलो दिखा रहा मुझे शायद इधर की ओर जाना है। यह देखिए मेरा एक दोस्त है, अब मुझे ऊपर जाना है शायद, ऊपर एरो दिखा रहा। फ्रेंड्स आप एरो देख रहे हैं, बिल्कुल एरो देखते रहना है और हमें फॉलो करते जाना है। ऊपर कुछ दुश्मन है तो मैं इन्हें ख़त्म कर देता हूँ। फ्रेंड्स गन बहुत अच्छी मिली है, इसमें निशाना लगाने वाला बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा निशाना लगाया जाता है। वो तेरी जब यह आया तब तक गोलियाँ ही रिलोड करनी पड़ गई। और कोई है? और तो कोई मुझे दिख नहीं रहा है। यह तो अपना बंदा है। फ्रेंड्स कॉल ऑफ ड्यूटी में यही तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, कभी कभी मैं अपने ही बंदे को मार देता हूँ और फिर लिखाता है फ्रेंडली फायर इज़ नॉट टॉलरेटेड। यह देखिए यहाँ तो बहुत सारे हैं। यह गन कौन सी है यार, समझ में नहीं आ रहा, AK-47 जैसी लग रही है लेकिन ऊपर निशाना लगाने वाला बहुत ही अच्छा लगा हुआ है। दोस्तों ऊपर की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। यह देखिए
यह अपना अपना आदमी नहीं है ये, यह तो एक फाइट में ही गिरी है यार। यह देखिए यहाँ से साइड से गोली बरसाई जा रही है, तो मैंने इसे शायद मार दिया है। मरा कि नहीं? नहीं नहीं, अभी नहीं मरा है, अभी नहीं मरा है। फ्रेंड्स आप वीडियो को अच्छी क्वालिटी में देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसमें। अभी भी कोई गोलियाँ चला रहा है, यह देखिए यह है यार। तो यह अभी मर चुका है दोस्तों। अब यार जाना कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है, किस साइड जाऊँ, कुछ एरो मार्क भी नहीं आ रहा है। हाँ पता चल गया कहाँ जाना है, एरो आ चुका है, हमें इस तरफ जाना है। चल 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 भैया इस साइड चलो। फ्रेंड्स अगर रास्ता ना दिखे आप थोड़ा सा वेट करें, ऑटोमेटिक एरो आ जाता है। तो गाइस अब यहाँ से हमें दुश्मन को उड़ाना है। आप देख सकते हैं यह मुझे कैसा मिला है गन यार, बहुत ही अच्छा गन लग रहा है, इसे उड़ाता हूँ। ओहो बहुत ही अच्छी गन है यार, इनका तो मैंने कीमा बना दिया है। मुझे प्रोटेक्ट करना है उन लोगों को, बचाना है, तो मैं गोली से ही मार के देखता हूँ इन्हें प्रोटेक्ट कर पाता हूँ या नहीं। अगर मैंने उन पर फिर से मिसाइल चलाई तो पक्का वे भी मारे जाएंगे। बहुत ही संभल के मिसाइल चलाना पड़ रहा है यार। अरे यार एक कैसी गन है यार, चल क्यों नहीं रही है? हाँ अब जाके चली। एक बार में तो यह गन ही नहीं चल रही है यार, बहुत ही घटिया गन है, मुझे बंदूक से ही मारना पड़ेगा। हार्ट भाई हार्ट। दोस्तों फाइनली वो जो गोलियां मार रहा था वो मर चुका है। और आप देखिए अब हमारा मिशन का मेन टाइम आ चुका है, हमें यहाँ से फिसल कर जाना है। हमने रस्सी लगा दी है और चलो भाई चलते हैं। यह देखिए हमारे दोस्त को यहीं पर बंदी बना के रखा हुआ है। और फ्रेंड्स यह वही दोस्त है जिसकी उन्होंने आँख में चाकू मारा था, तो यहाँ पर इसे बांध के रखा गया है, तो हम इसे छुड़ाते हैं। तो इसे मेरे टीम के दोस्तों ने छुड़ाया और यह काफ़ी गुस्से में लग रहा है क्योंकि इसकी एक आंख फूट चुकी है। और अब यह हमारे साथ भी मिशन में मिल चुका है, तो अब चलिए अब चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके हैं मिसाइल वाले एरिया में और अब हमें अपने मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना है, उड़ने नहीं देना है। तो अब कैसे होगा ये देखिए फ्रेंड्स, आपको ऊपर टाइमर दिख रहा होगा, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर हम इतने टाइम में नहीं पहुंच पाए तो मिसाइल लॉन्च हो जाएगा क्योंकि मिसाइल की लॉन्चिंग सेट कर दी गई है और इतने टाइम में मिसाइल आसमान में उड़ जाएगा। अगर मिसाइल उड़ गया तो एक देश पूरा तबाह हो जाएगा। दोस्तों हमें ऐसा नहीं होने देना, यह एक न्यूक्लियर बम है और इसे हमें बचाना है, हमें इसे जस्ट डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है, हमें इसे यहीं पर ख़त्म करना है। तो कैसे करते हैं, फिलहाल ये बंटर लोग कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं, हमें पहले इन्हें ख़त्म करना होगा। टाइम भी यार बहुत कम है यार, पता नहीं साइल तक कितने देर में पहुँचूँगा। या क्या यार सीढ़ियों से मैं गिर गया, इसकी वजह से या ऊपर से गोलियों पे गोलियां मारा जा रहा है, इसीलिए मैं सीढ़ियों से ऊपर से गिर गया। पहले इसे मैं ख़त्म कर लूँ। अगर यहाँ पे मुझे स्नाइपर गन मिलता ना मज़ा आ जाता दोस्तों, सच बता रहा हूँ यार। फ्रेंड्स आप वीडियो को अच्छी क्वालिटी में देखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ताकि आपको एक एक दुश्मन अच्छे से दिख सके और ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा देर इन्जॉय कर सकें इस वीडियो। चल भैया सीढ़ी पे चढ़ जा। और दोस्तों टाइमिंग बस 3.5 मिनट के आसपास बचा हुआ है, अगर मैं गोलियाँ मारूँगा तो इन्हें मारते रह जाऊँगा। या क्या इधर तो खाई है? नहीं खाई नहीं है। अरे भाई तू सामने से हट यार, जो तू गोलियाँ चलाते रह जाएगा। तो कहाँ से गोलियाँ मार रहे हैं, बहुत ही दूर से मार रहे हैं इसलिए दिखाई नहीं दे रहे यार। दोस्तों पता है गेम थोड़ा सा आप लोगों को शायद बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अभी देखते जाइए अभी कैसे मैं मिसाइल तक पहुंचता हूं और उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करता हूँ। वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए। या देखिए दोस्तों यहाँ से हैवी गोलीबारी चल रही है, देखकर मारना पड़ रहा यार।
या देखिए मेरे बटालियन लोग यहाँ भी गोलीबारी कर रहे हैं। दोस्तों टाइम बहुत कम है, 2.5 मिनट के आसपास बचा हुआ है। अगर मैं इतना आराम से गेम खेलूँगा तो पक्का है गेम ही खेलता रह जाऊँगा और मिसाइल लॉन्च हो जाएगी और दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए मुझे जल्द से जल्द काम करना होगा। अरे यार ये या मर क्यों नहीं रहा यार, और इस गोलियों को भी अभी रिलोड होना था। सो के देखता हूँ। अरे यार सो के चलूँगा तो पता नहीं, मैं सो के ही चलता रह जाऊँगा एकदम धीरे धीरे। चल भैया सब खत्म हो चुके हैं, जल्दी जल्दी भाग यार। अरे गजब, 1 मिनट के आसपास टाइम टाइम बचा हुआ है और हम यहाँ अभी भी इन्हीं से फाइटिंग नहीं लड़ रहे हैं। दोस्तों जब ये लाल लाल होता है ना, मतलब मुझे गोलियाँ लग रही है यार। ये इतने सारे हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। भाई तुम ख़त्म कैसे हो गए यार, कहाँ कहाँ से छुप कर मार रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सच बता रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं ऐसे ही करते रहा तो मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलेगा। पता नहीं मिसाइल कहाँ है, हम लगभग मिसाइल के बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं। हाँ बस और कुछ दूर चलना है मुझे। तो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं मिसाइल के मेन एरिया पे, जहाँ से मिसाइल को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ एक बम लगाकर इसे तोड़ते हूँ ताकि हम इसके अंदर जा सकें। गेट बहुत ही मजबूत है लेकिन दीवार मजबूत नहीं है, इसलिए हमने दीवार को तोड़ना सही समझा। ये देखिए यहाँ पर कंट्रोल करना है मिसाइल को, यहाँ से उसके लॉन्चिंग को बंद करना है। यह क्या, मेरे दोस्त ने कहा कि वह इसे लॉन्च ही नहीं कर, वह इसे रोक नहीं पा रहा। अब मिसाइल लॉन्च होकर ही रहेगी, अब क्या करना है दोस्तों? अब करना कुछ नहीं, हमें मिसाइल को ब्लास्ट करना होगा। मिसाइल लॉन्च हो चुकी है तो फाइनली दोस्तों हमने मिसाइल को आसमान में ब्लास्ट कर दिया है और उसे रोक लिया है, बचा लिया है और हमने पूरी दुनिया को बचा लिया है। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि दुनिया तो बच गई यार, लेकिन हमें कौन बचाएगा? हमें खुद ही बचना होगा और हमें यहाँ जल्द से जल्द निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर ब्लास्ट हो रहे हैं और देख सकते हैं फ्रेंड्स आग गिर रही है और ये लोग जलने लगे क्योंकि मिसाइल हमने यहीं पर फोड़ दिया है। अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा नहीं तो हम सब मारे जाएंगे यार। ये देखिए पाइप से पानी लीक हो रहा है, क्या लीक हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर जो भी लीक हो रहा है हमें इन सब से कोई मतलब नहीं, हमें जल्द जल्द यहाँ से निकलना होगा नहीं तो पक्का हम ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि हमने मिसाइल लॉन्च कर दिया है। सो सॉरी दोस्तों, मिसाइल को हमने लॉन्च होने से बचा दिया है, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये लोग बहुत सारे हैं दोस्तों, पता नहीं कहाँ अभी इतने सारे आ रहे हैं, उस टाइम भी उतने सारे लोगों को मारा, पता नहीं आते कहाँ से हैं। बस दोस्तों गोलियां इतनी बार चल रही है, बार बार गोलियों को रीलोड करना पड़ रहा है यार, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कंटिन्यूसली गोलियां मारता रहता तब तो मज़ा आ जाता। ये देखिए दोस्तों कितना छोटा छोटा जगह से छुप छुप कर मार रहा, लेकिन ये तो शुक्र की बात है कि मेरे गन के अंदर है एक निशाना लगाने वाला जिससे काफ़ी अच्छा निशाना लगता है और मैं काफ़ी अच्छा निशाना लगा भी रहा हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। दोस्तों अब कुछ ही टाइम में बस हम लोग यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं दोस्तों, बोल मत होइए, और बस गेम कुछ ही टाइम बचा हुआ है। ये देखिए दोस्तों टाइम दिखा रहा है, यह इतने सारे आ गए मरने के लिए, सबका मैंने काम तमाम कर दिया लेकिन गोलियां ख़त्म हो गई यार, गोलियों को रीलोड कर लिया। अरे अरे ये तो लगा मुझे अपना आदमी है यार, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, लगता है अपना आदमी इसलिए मैं नहीं मारता हूँ, बाद में वो मुझे ही आके मारने लगता है। तो दोस्तों बस पहुंचने ही वाले हैं हम, यहाँ से निकलने ही वाले हैं कुछ ही टाइम में, और बस कुछ टाइम बचा हुआ है और बस आगे चलता हूँ, देखता हूँ और हो तो होंगे ज़रूर यार ये लोग ख़त्म हो। देखिए यहाँ पे तो पूरी पूरी इनकी सेना भरी पड़ी है, जल्द से जल्द हमें इन्हें भी ख़त्म करना है।
ये देखिए यार, एक बम आ चुका है। बम से हम बाल बाल बच चुके हैं। और फ्रेंड्स, खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कॉल ऑफ ड्यूटी। फ्रेंड्स, अगर आपको कॉल ऑफ ड्यूटी अपने पीसी में खेलना है, अगर इसे डाउनलोड करना है फ्री में, तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको इसका डाउनलोडिंग लिंक दे दूंगा। मैं चाहता तो आपको यूट्यूब पे भी इसका डाउनलोडिंग लिंक दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशंस के ख़िलाफ़ है और मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल पे कोई आ जाए। इसलिए अगर आपको इस गेम चाहिए, बहुत अच्छी गेम है, डाउनलोड करना है, तो मैं इसका डाउनलोडिंग लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फ्रेंड्स, पहले ही जान लीजिए, यह गेम बहुत बड़ी गेम है। आपको कम से कम 15 से 20 GB तो लग ही जाएंगे इस गेम को डाउनलोड करने के लिए। और तो जैसा हो आप डाउनलोड कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि एक दिन में, अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप इसे एक दिन में तो डाउनलोड करना संभव नहीं है। तो आप, मैं आपसे कहूँगा कि आप मोबाइल में अगर यू डाउनलोड करें, उसे फिर कंप्यूटर में डाल लें, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा इजी होता है। तो आप यूसी बर्गर का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेस भी चाहिए, कम से कम आपके मोबाइल में स्पेस होना चाहिए दोस्तों, खाली 28 GB के आसपास आपका मोबाइल का स्पेस खाली होना चाहिए, तभी आप इस गेम को डाउनलोड कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, कंप्यूटर में कम से कम दोस्तों 4 GB ग्राफिक्स कार्ड आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आप इस गेम को खेल पाएंगे। नहीं तो आपको इस यह गेम डाउनलोड करके कोई फ़ायदा नहीं है। पहले अपने कंप्यूटर को भी देख लें स्पेसिफिकेशंस। और फ्रेंड्स, इस गेम को चलाने के लिए मिनिमम 4 GB रैम भी चाहिए। 6 GB रैम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। और ग्राफिक्स कार्ड कम से कम दोस्तों 2 GB का तो चाहिए ही चाहिए। 2 GB 4 GB रहेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा दोस्तों। मैं आपको डाउनलोडिंग लिंक इसका जब दूंगा तो साथ में इसके बता दूंगा क्या क्या कैसे कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो फ़िलहाल अब बस इस गेम ख़त्म ही होने वाली है दोस्तों। मैं शायद बहुत ज़्यादा देर तक इस गेम को खेल गया। फ्रेंड्स, मैं उतना प्रो प्लेयर तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने इस गेम को दो बार पार कर ही लिया और ये शायद मैं तीसरा बार पार कर रहा हूँ, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है दोस्तों। कॉल ऑफ ड्यूटी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लगभग मैंने इसकी सभी सीरीज़ खेल ही ली है दोस्तों। बहुत अच्छी गेम है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी की हर एक गेम इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी, चाहे वो मॉडर्न वॉरफेयर हो, ब्लैक ऑप्स हो, भी जो इसकी एडवांस वॉरफेयर जो आई थी वो तो और भी ज़्यादा अच्छी है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है एडवांस वॉरफेयर में कि आप सोच में पड़ जाओगे दोस्तों। ऐसी टेक्नोलॉजी मैंने कभी नहीं देखी थी दोस्तों। ऐसी ऐसी गेम में टेक्नोलॉजी है, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। ये सब तो खैर पुरानी टेक्नोलॉजी वाली बंदूक है, उतनी कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी ये गेम अच्छी है। लेकिन एडवांस वॉरफेयर बहुत ही अच्छी है दोस्तों इससे। हालांकि मैं उसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा दोस्तों आपको खेल देख कर वो। तो आप बस मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिए। तो लगता है सभी मर चुके हैं और अब हम अपने मिशंस को लगता है पूरा कर चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमने मिशन को पूरा कर लिया, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो अब दोस्तों मिलेंगे अगले मिशन में। अगले मिशन में मैं आपको अच्छे से स्टोरी समझाऊँगा। तो यह रहा मेन विलन, यह अभी तक ज़िंदा है, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं, बहुत जल्द ही मरने वाला है। तो इस गेम के सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर इस गेम का अगला पार्ट लाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।